छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास विकास एवं सुरक्षा की भावना तथा सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास विकास एवं सुरक्षा की भावना एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय एक महिला सहित एक नक्सलियों कमली उर्फ कमला बटालियन सदस्य इनामी 8 लाख रुपए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देवा पूर्व बटालियन कंपनी सदस्य सन्नू डीएकेएमएस सदस्य सभी निवासी थाना जगरगुंडा क्षेत्र जिला सुकमा के द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2023 को नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में श्री किरण चव्हाण पुलिस अधीक्षक सुकमा एवं श्री सुरेश सिंह पायल द्वितीय कमान अधिकारी डीआईजी ऑफिस सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन स्वरूप सहायता राशि प्रदान किया गया। उक्त सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास योजना के तहत सभी सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। सर, आज आत्मसमर्पण किया माओवादी के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ शासन की जो नक्सल निर्मूलन नीति है विश्वास विकास सुरक्षा, उसके अंतर्गत सुकमा पुलिस व सीआरपीएफ द्वारा पूना नरकोम अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण मेरे समक्ष किया है। इन 3 नक्सलियों में कमली उर्फ कमला जो बटालियन की सदस्य थी, शासन द्वारा इस महिला नक्सली पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। उसके अलावा देवा, ये भी मुरसांगल का रहने वाला है, ये पूर्व बटालियन सदस्य है। उसके अलावा सन्नू जो डीएकेएमएस सदस्य है, इन तीनों नक्सलियों ने जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, गांव वालों को जो परेशान करना, उनकी हत्या करना, उसके अलावा पूरी विकासधारा को रोकना, इनका जो काम है इससे परेशान होकर आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जो महिला नक्सली थी कमली, वो टोंडामार्का में जो 2020 में नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें शामिल थी। इसके अलावा 2021 की जो टेकलगुड़ा घटना थी उस समय वो टेकलगुड़ा घटना में भी शामिल थी। इसके अलावा जो आत्मसमर्पित नक्सली देवा है, ये 2008-09 तक कंपनी नंबर 8 का सदस्य था। 2009-14 तक ये बटालियन का सदस्य था। मिंटपा घटना में भी शामिल था। उसके अलावा आत्मसमर्पित नक्सली सन्नू, ये 2016-19 तक संगम सदस्य था और 2020 से अब तक डीएकेएमएस सदस्य था।